कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए, नेमतों को छिपाना, क्योंकि हसद तो है। सूरह यूसुफ में भी हमने क्या सीखा था कि जब वो आप ड्रीम देखते, ख्वाब देखते, तो आपके वालिद साहब क्या फरमाते कि ये बात छुपाओ, अपनी जो भी जरूरियात को कामयाब करने के लिए रासदारी से मदद लो। मतलब कोई भी चीज़ अभी आपकी फुलफिल नहीं हुई तो बिफोर टाइम आप मत उसको डिक्लेयर कर, क्योंकि जिस शख्स पर भी अल्लाह ने इनाम कर रखा हो इससे हसद किया जाता है। ये सिलसिला तो सहीहा में है 1453। तो जो भी आपके पास नेमत है अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन लोग हसद करते, क्योंकि खुल के जो सूरे है मवज्जा, जो लास्ट थ्री खुल के सूरे जिसमें हसद की भी बात आती, तो हसद तो है। तो जब तक कि आप कोई चीज़ कम्प्लीटली हासिल नहीं हो जाती, नहीं बताना चाहिए। जब बताते भी है तो दुआ भी करिए और माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कहिए, क्योंकि कामयाबी का जो सक्सेसफुल होने का उसकी की थिंग क्या है, जितना आप राजदारी रखे छिपाए, क्योंकि हसद तो बरहक है। जजाकल्ला खैरन कसीरा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है इल्म कुरान फॉर ऑल।